तो गाइस बैकग्राउंड में नॉइज़ रहेगी, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। एंड उम्मीद करता हूँ तुम लोग अच्छे चल रहे हो, तुम्हारी जर्नी अच्छी जा रही है, लाइफ में बढ़िया होना शुरू हुआ है। तो गाइस ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ना उनके लिए जो नोफैप सीरियसली करना चाहते हैं, बट अर्जेस के अलावा उनको कोई और ऐसा इमोशनल स्ट्रेस है जो उनको मतलब प्रॉब्लम कर रहा है वहाँ पे उस चीज़ को करने के लिए, ठीक है ना। बहुतों के लिए हार्ट ब्रेक है, बहुतों के लिए इस तरह का कुछ है जो एक अलग से फैक्टर है जो यहाँ पे तुमको अपोज कर रहा है इस चीज़ के लिए, तुम्हारे को फैपिंग के लिए कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो पुश कर रहा है कि तुम वहाँ पे जाओ। तो गाइस देखो, जिस सिनेरियो में तुम हो ना, वही सिनेरियो कहीं ना कहीं मेरा था, मेरे लिए वो एक लव रिलेशन था, तुम्हारे लिए हो सकता है कुछ और भी हो। तो गाइस मैं यही सोच रहा था कि अगर मेरे को नो फैप उस टाइम पे मिली होती तो मैं ऐसा क्या करता कि मैं वहाँ से निकलूँगा, क्योंकि ना जब तक तुम दलदल से निकलना नहीं चाहोगे ना तब तक कुछ होगा नहीं। और दूसरी तरफ ये भी है कि बहुत हाथ पैर मारोगे तो और चले भी जाओगे दलदल में, तो बड़ा एक ना मेंटल फाइट है यार, ये बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। लेकिन एक बार जब तुम इससे निकलोगे ना और वो जीत का जब तुमको स्वाद मिलेगा ना भाई, अलग लेवल का है भाई, वो अलग लेवल का है, वो नेक्स्ट लेवल का है, ठीक है। तो देखो अब करना क्या है, सिंपल सी बात है ना कि तुम जिस मोड में तुम फंसे हो ना वहाँ पे ना तुमको पहले सर्वाइवल मोड में रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो तुम गिव अप कर दे रहे हो, ठीक है। तुमको कल को तुम्हारे गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, या फिर तुम स्टॉक कर ले रहे हो, या कोई तुमको कुछ बता दे रहा है, जॉब का इंटरव्यू तुम्हारा ख़राब हो रहा है, आई डोंट नो, वट एवर इट मे बी एनीथिंग, इट मे बी फकिंग एनीथिंग दैट इज़ काइंड ऑफ हैम्परिंग योर प्रोग्रेस, ठीक है। तो गाइस देखो मैं तो ये बोलूँगा कि हमेशा ना यू कैन नॉट ईट एन एलिफेंट इन अ डे, मैंने पहले भी बोला है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ है ना तुम उसको एक दिन में नहीं कर सकते भाई, है ना। स्मॉल स्टेप्स लेना पड़ेगा, छोटे छोटे प्रोग्रेसेस लेने पड़ेंगे, छोटी छोटी जीत रखनी पड़ेगी, तब जाके तुम पहुँचोगे वहाँ पर, ठीक है। जस्ट तुम कंपेयर करोगे किसी बंदे से जिसकी स्ट्रिक 100 दिन की है, 200 दिन की है, 300 दिन की है, और तुम्हारा 15 दिन पे तुम्हारा गोला हो जा रहा है भाई, तो वो कंपेरिजन सही नहीं है, क्योंकि तुम्हारी अपनी लड़ाई है, तुम्हारी अपनी जीत है, दोनों चीज़ें तुम्हारी अपनी है। तो कोई एक चीज़ पकड़ लो नो फैप में अगर तुमको लगता है कि, देखो एक और चीज़ बहुत मतलब सही बताने वाला हूँ तुमको कि ना घर में अगर चार दरवाजे हैं ना और एक दरवाज़ा तुम बंद कर दोगे ना, इट डज़ नॉट मीन कि तुम सेफ हो गए, ठीक है। तीन और दरवाजे खुले हैं भाई, ठीक है। तो तुम सोच रहे हो कि मैं नो फैप नहीं करूँगा, एक तरफ तुम चिकन खा रहे हो, एक तरफ तुम सेक्स के थॉट्स लेके आ रहे हो, एक तरफ तुम स्टॉकिंग कर रहे हो, एक तरफ तुम दारू पी रहे हो, एक तरफ तुम सिगरेट पी रहे हो, और तुम कह रहे हो मेरी नो फैप नहीं हो रही है जबकि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं कर लूँगा। भाई तीन और दरवाजे तुमने खुले छोड़ दिए हैं, वो कहीं से भी आ सकता है वो लस्ट। तो तुमको सारे फैक्टर्स को पकड़ना है यार, ये नो फैप करना इतना आसान है होता ना तो सब बंदे नो फैप करके ना सक्सेस ले चुके होते हैं। और सक्सेस का मतलब इन द सेंस कि तुम अपनी वीकनेसेस को ओवरकम कर रहे हो, तुम दुनिया शायद जीतो, तुम शायद ना जीतो, आई डोंट नो, लेकिन तुम्हारे अंदर से जो एक आवाज़ आएगी ना वो हमेशा स्ट्रांग ही रहेगी, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है। तो ना ये चीज़ बहुत ध्यान से समझो। तो मैं वही कह रहा हूँ, अगर तुमको लग रहा है कि यार मैं सब कुछ कर ले रहा हूँ, मेरे से नो फैप नहीं हो रहा और मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, क्योंकि सीधी सी बात है यार, जैसे किसी चीज़ में तुम कंटिन्यूस हार देखोगे ना, मैंने कुछ किया मैं हार गया, चलो ठीक है एक बार हारा कोई दिक्कत नहीं, दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं 20 बार के बाद तो तुम्हारा दिमाग फट जाएगा भाई, तुम डिमोरलाइज हो जाओगे, तुम्हारे कुछ करने की वो हिम्मत ही नहीं रहेगी। तो जब तक तुम सक्सेस का छोटा छोटा बाइट नहीं लोगे ना, तुमको ना ये नो फैप तुमको बार बार अपनी तरफ खींचेगा, बोलेगा आ जा यार इधर थोड़ी देर, तेरे को अच्छा लगेगा तो इधर ही आ जा, दुनिया बहन चो ऐसे भी तेरी ले ही रही है, इधर आके फैप कर ले, 10 मिनट अच्छा लगेगा तेरे को। और वो 10 मिनट करके ना तुम्हारी ज़िंदगी से तुम्हारी ओझ शक्ति ख़त्म कर रही है, तुम्हारी तेज शक्ति ख़त्म कर रही है, और तुम दिन के एंड में जब तुम सोने जा रहे हो तो तुमको लग रहा है कि मेरी लाइफ चुदी हुई यार, कुछ फ़ायदा नहीं है इस लाइफ। तो कोई भी होगा इस, तुम समझो एक छोटे छोटे स्मॉल बाइट्स लो और ना उसको इन्जॉय करो, ठीक है। तुम ऐसा कर लो यार कि मैं भाई अब चिकन नहीं खाऊंगा मैं, या फिर मैं 3 रोटियों से ज़्यादा नहीं खाऊंगा, मैं खाने को 32 बार चबाऊंगा, टेक द ईजिएस्ट थिंग, ठीक है ना। अगर तुम किसी चीज़ में जा रहे हो ना, तुम लोग को लग रहा है कंटिन्यूस मैं हार रहा हूँ, इट मीन्स कि तुम्हारी बेसिक्स ख़राब है भाई, ठीक है। तुम एक बार हार सकते हो, तुम 2 बार हार सकते हो, ठीक है ना। दुनिया का कितना अच्छा भी बॉक्सर क्यों ना हो ना, एक आधे पंच तो उसको लगता ही है भाई,
मोहम्मद अली क्यों ना हो, ठीक है, तो तुम इतने बड़े कि नहीं हो कि तुमको लाइफ एक दो बार गिराएगी नहीं, लेकिन संभलने का तरीका यही है गाइस कि ना तुम छोटी छोटी चीज़ें सुधारना शुरू करो, क्योंकि तुम्हारी जर्नी बहुत लंबी है भाई, क्योंकि तुम ऑलरेडी एक इमोशनल स्ट्रेस में भी हो। क्योंकि एक नॉर्मल बंदा क्या कहेगा यार कि मेरे को अर्जेस से ना लड़ना है और क्या, तो तुमने अर्जेस वाला दरवाज़ा बंद कर दिया, उस पर एक बड़ी सी अलमारी लगा दी दरवाजे के सामने, और उधर सामने बगल में कोई तुम्हारी वीकनेस है वो वाला दरवाज़ा खुला ही है, उधर से आ जाएगी अर्जेस। भाई मैं तुमको बोला ही था कि अगर तुम सेक्सुअली थाट्स आएंगे तुम उससे जीत जाओगे, रोमांटिक थाट्स आएंगे, उसके बाद तुम्हारे फैंटेसी वाले थाट्स आएंगे, क्रिएटिव थाट्स आएंगे भाई, ठीक है ना। ये दिमाग तुमको तोड़ने के लिए कितनी कितनी चीज़ें करेगा ना, तुम अभी देखते जाओ भाई, अभी तो खेल शुरू हुआ है भाई, ठीक है। मैं आगे और भी बताऊंगा इसके बारे में गाइस, तुम टेंशन मत लो, हम आगे करेंगे नो फैप बढ़िया से। थैंक यू।